सुधीर डिंगरा ने निर्देश दिया है कि जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रह रहे लोगों के बीच कोरोना वायरस संक्रमण हेतु मास्क कंपनी की तरफ से वितरण किया जाए। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर चल रही जंग के बीच रांची के ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड यूनिट J1 कंपनी जो इरबा कोलियारी में स्थित है वो आगे आई। ओरिएंट क्राफ्ट लिमिटेड यूनिट J1 के HR सीनियर मैनेजर रजनीकांत ने बताया कि यूनिट J1 में 125 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर वाली कपड़े की फैक्ट्री ने मास्क बनाना शुरू कर दिया है। कंपनी में 3 से 4 लोग नियमित रूप से काम कर रहे हैं। यहां पर अभी तक 7,000 मास्क बनाकर रांची जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में फ्री में वितरण किया गया और अभी तक मास्क बनाने का काम कंपनी के तरफ से जारी है। हर एक परिस्थिति में कंपनी सरकार के साथ है। इस महामारी में हम लोग अपने फैक्ट्री को तो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अनुसार ऑलरेडी बंद कर चुके हैं, बट मास्क की ज़रूरत को देखते हुए हम लोग मास्क बनाने के लिए तत्पर हैं और बना रहे हैं, और जितना हो सक रहा है हम लोग लोकल कम्युनिटी में जाके बांट भी रहे हैं। तो अभी तक हम लोग 7,000 से ऊपर बांट चुके हैं, और प्लस आगे हम लोग का प्लान जितना हो सक रहा है 3 या 4 हमारे वर्कर आ रहे हैं डेली, और उनसे मैं मास्क बनवा के और लोकल कम्युनिटी में बांटते जा रहा हूँ, और जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होता है जिस तरह से प्रशासन से फ़ोन आता है उनको हम लोग जाके दे भी रहे हैं। जैसा भी हो रहा है हम लोग अपने तरफ से पूरा मदद करने के लिए तत्पर हैं, और जो भी हमारे गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई भी इंस्ट्रक्शन आता है तो हम उसको फुलफिल करने के लिए तैयार। आपका कंपनी का टोटल टर्नओवर कितना है? हमारे कंपनी का यहाँ रांची धुरवा रांची में जो हमारा ओरियन क्राफ्ट इरवा में है इसका टर्नओवर 125 करोड़ का है ईयरली टर्नओवर। और तो आप जो महामारी है इसमें हम लोग सरकार के साथ हैं।